अभिषेक जी को जानना है, सीमेंस या बजाज फाइनेंस में इस वक्त फ्रेश एंट्री लेनी है, तो आमतौर पे हम एक ही शेयर की बात करते हैं किसी एक दर्शक से, पहले सीमेंस देख लेते हैं, अगर सीमेंस फ्रेश एंट्री के लायक लग रहा है तो बताइए। जी, कितना सेक्टर जो आप लेके आए हैं इस पे मेरा व्यू ठीक नहीं है, इसलिए शायद आपको मुझसे अच्छी चीज समझ सोचने सुनने को नहीं मिले। ओके, सीमेंस का रिजल्ट आ गया? नहीं आया, नहीं तो मैं कुछ और आपको बता सकता था। अभी तक का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से वैल्यूएशन स्काईरॉकेटिंग है कैपिटल गुड्स पे। मैं तो हल्का हो रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सीमेंस बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि इन आइसोलेशन स्टॉक क्या कह रहा है। स्टॉक यही कह रहा है कि 50 DMA काफी दूर से छूट चुका है, लास्ट होप है 6450। इसके नीचे नहीं, लास्ट होप है 6400 और देर अबाउट, उसके नीचे एक क्लोज मतलब ऑलमोस्ट ये स्टॉक डिसाइड कर लेगा 200 DMA रीटेस्ट करने का। सीमेंस वगैरह में प्रॉब्लम क्या है राजीव जी, कि इसका ये लोग महंगा ट्रेड होते हैं बहुत, और महंगा ट्रेड होते हैं ना तो अगर साइकिल गया तो मीडियम लेवल से ये लोग 20-20% डिस्काउंट पे भी चले जाते हैं, इसलिए खतरा बहुत बड़ा होता है। और वैल्यूएशन इसका मीडियम लेवल से 20% पहले तो आउट है, तो एडजस्टमेंट भी होगा तो इतना बड़ा हो सकता है। समझें कि 8000 है, तो 8000 करीब करीब 1500 भी रखते हैं तो 6500, और उसमें हम अगर 10% का वहां से डिस्काउंट लेते हैं तो सॉरी 8000 20% 1500, 6500, वहां से 10% करीब करीब 6000, तो मुझे लगता है कि ये तो 20 20 200 DMA भी रिटेस्ट कर सकता है अगर गया 6500 का लेवल तो। लेकिन उस समय 6400 का लेवल तो उस समय तब उसकी असेसमेंट करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि 7400 के ऊपर इसको निकलना बहुत जरूरी है अगर इसका ट्रेंड फिर से ठीक होना है तो, अदरवाइज स्टॉक बहुत महंगा है, कैपिटल गुड्स पे केयरफुल रहने की जरूरत जरूर है। जी, तो 7400 पे नज़र रखिए, और फिलहाल अभी नीचे क्या जो ताज़ा ताज़ा बॉटम है 6550 के आसपास का, क्या वो क्रूशियल है या उससे नीचे ही अभी जो आपने शायद 6400 की बात कही उसका ही ध्यान रखना चाहिए? क्या ये संभव है कि 6500 तो टूट जाए लेकिन 6400 बच जाए? इसमें ताजा सिर्फ एक है कि 7400 को ही ताजा ज्यादा ध्यान ध्यान रखें, बाकी सब कुछ ताजा नहीं है, बहुत ही इसमें प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कुछ और बीच में देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा। एक साइड ले लीजिए, क्या है ना कि किसी का साइड लेना चाहिए, हारे या जीते दोनों जी तरफ रहेंगे ना तो थोड़ी सब अजय देवगन थोड़ी है कि दो बाइक पे पैर रख के अपना स्टंट कर लेंगे। तो सात जी हजार चार सौ नहीं निकलता है तब तक तैयार रहिए, कभी भी कुछ नीचे आएगा, जो आएगा देखेंगे। अच्छा, ये आपका रिट्रेसमेंट जो है वो 6150 के आसपास के कुछ लेवल बता रहा है, उसका ध्यान रखें या उसकी जरूरत नहीं है? अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यही बोल सकता हूँ थोड़ा वापस तो आप आ गए उसी पंचायत वाली लाइन पर, ठीक क्या नहीं करें, लग कुछ रहा तो है। सहारा लेना है। हाँ ठीक नहीं लग रहा है, 7400 के बाद शायद दवाई काम करेगी, उसके पहले ठीक नहीं लगेगा। जी चलिए, अब पंचायत में तो वो बहुत मामूली सी गोली दी थी, रिएक्शन कर गया था, क्या करें। पहला डॉक्टर मैंने देखा गैस की गोली देके अस्पताल पहुंचा देता है।